नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पितृ दोष के क्या कारण हैं और कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर स्क्रीन में दिख रहे इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृ दोष को दूर करने के उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंडली में पितृ दोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उसकी पूजा स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी यह दोष मिटता है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगें। शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्त्रोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्त्रोत व नवग्रह स्त्रोत का पाठ करें। इससे भी पितृ दोष की शांति होती है। सोमवार प्रातःकाल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प बिल्व पत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृ दोष का शमन होता है। कुंडली में पितृ दोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। इन उपायों को करने से आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।